अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सीख कबाब हांडी, बहुत मज़ेदार होता है, तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा और रिव्यू देना ना भूलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। सीख कबाब मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे कोई सी भी कंपनी के आप सीख कबाब ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 9 पीसेस लिए हैं। चॉप्ड ग्रीन चिलीज 1 टेबलस्पून, फ्राइड अनियंस 4 टेबलस्पून, एलमंड पेस्ट 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मलाई बोटी मसाला, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉफ्ट पाउडर 1 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। चलिए हम अनियंस और मसाले ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज अभी ऐड नहीं करेंगे, वीडियो देखते रहें, मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, मसाले सीख कबाब में पूरी अच्छी तरह से कोट नहीं होंगे, इस तरह से होंगे, तो बस ऐड करके मिक्स कर लें अच्छी तरह से और बस फ्राई करते हैं। पैन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ऑयल ऐड करेंगे 8 टेबलस्पून। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, बस 30 सेकेंड्स वेट किया है हमने। जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 30 सेकेंड्स सॉटे कर लेंगे। फ्लेम हमारी हाई रहेगी। अब ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और इसको भी 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। बस अब सीख कबाब ऐड कर लेंगे ध्यान से, जितना मसाला है वो भी सारा ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड किया है। फ्लेम हाई रहेगी और हाई फ्लेम पे हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर पलट देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, पलट देंगे ध्यान से। बस अब 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ढक्कन ढक के। सालन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 मीडियम साइज्ड अनियन को ले लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे उसको, 2 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज और बाकी जो साबुत है ग्रीन चिलीज ले लेंगे, बीच में से कट कर लेंगे, क्रीम 1 बॉक्स, योगर्ट 1 बोल, मिल्क 4 टेबलस्पून। कढ़ाई या कोई पैन ले लेंगे, अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। पैन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करके सॉटे कर लेंगे 30 सेकेंड्स। फ्लेम हाई रहेगी। ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे 30 सेकेंड्स। सॉटे करते हुए 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, अनियन पेस्ट ऐड करेंगे हाई फ्लेम पे, इसको भी अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे।
दो मिनट सॉटे करने के बाद योगर्ट ऐड करेंगे, हाफ हाफ ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फ्लेम हमारी हाई रहेगी। बस अब फ्लेम मीडियम लो करेंगे और सीख कबाब चेक कर लेंगे, उसे भी फ्राई होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। बस पलट लेंगे ध्यान से। बस अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ढक के। बस अब सालन की तरफ आ जाएंगे, योगर्ट ऐड करेंगे हाफ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए है तो योगर्ट या क्रीम ज़्यादा कर दें या अनियन पेस्ट ज़्यादा कर दें तो आपकी ग्रेवी ज़्यादा बन जाएगी। फ्लेम हमारी मीडियम लो रहेगी, मसाले ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, जब तक सीख कबाब चेक कर लेते हैं। सीख कबाब हमारे तैयार हैं, बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं। बस स्टोव ऑफ करेंगे और ढक देंगे। इस स्टेज पे ग्रेवी मुझे कम लग रही है, योगर्ट और ऐड कर रही हूँ, हाफ कप जाएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, इस दौरान आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा मिर्ची चाहिए हैं, कितनी कम चाहिए हैं, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड में आप मलाई बोटी मसाला भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। मलाई बोटी मसाला ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, अगर ऐड करेंगे तो टेस्ट इन्हेंस होगा, नहीं ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं है। 5 टेबल स्पून ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड कर लेंगे, 1 बॉक्स ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप कम ऐड करें ज़्यादा ऐड करें, लेकिन क्रीम ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा क्रीमी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिल्क ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रही हूँ, 1 गार्निशिंग के टाइम पे ऐड करूँगी। अब जो सीख कबाब हमने बनाए थे वो ऐड कर लेंगे ध्यान से, मसाला साथ ऐड करेंगे। बस अब हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं,
अब हम क्या करेंगे, जब तक ये 5 मिनट और कुक होगा तब तक हम एक कोयला लेंगे और उसको अच्छी तरह से हीट कर लेंगे। पाँच मिनट और हो चुके हैं, अब एंड में क्या करना है, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। स्टोव ऑफ कर देंगे। हांडी हमारी तैयार है, बस कोयले का दम देना है। तो चलें कोयले को देखते हैं। कोयला अच्छी तरह से हीट हो चुका है। कोई फॉइल पेपर या स्टील का बोल ले लेंगे, इस तरह से रखेंगे उसको। अब जो कोयला हीट किया था उसे बहुत ध्यान से फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे ऑयल के ड्रॉप सेट करेंगे ऊपर से और बस तकरीबन 1 या आधा मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, बस अब कोयले को ध्यान से हटा लेंगे। सीख कबाब हांडी तैयार है, डिश आउट कर लेंगे। अगर इसकी गार्निशिंग करने की वीडियो आपको चाहिए है तो शॉर्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रिव्यू देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।